हाँ भाई, हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2.7। एग्जाम्पल नंबर 2.7 देखो सर्किट कैसा है। ये वाला सर्किट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर द सर्किट शोन इन 2.10 फाइंड वी सी ई एंड वी ए जी। चलो निकालते हैं वी सी ई एंड वी ए जी। वी सी ई क्या है? वोल्टेज ऑफ, या फिर मैं बोलूं तो पोटेंशियल ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ई। पोटेंशियल ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ई पॉइंट। सी पॉइंट कहाँ है? देखो सी पॉइंट कहाँ पे है? ये रहा मेरा सी, ये रहा मेरा ई। जब पॉइंट बोल रहे हैं तो ये एक जंक्शन है, या फिर इसको हम लोग नोड भी बोलते हैं। नोड तो सी पॉइंट है और सी से ई पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। साथ ही साथ हमको यह ध्यान में रखना है कि वी सी ई बोल रहा है, क्योंकि साइन कन्वेंशन आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है सी का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू ई। ई का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू सी नहीं पूछ रहा है, सी का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू ई पूछ रहा है। ठीक है, वी सी जो पहला आएगा उसका, तो वी सी ई। इसका मतलब मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि वी सी माइनस वी ई, मतलब पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ई, वही समझा रहा है वी सी का मतलब। हो गया। अब निकालेंगे कैसे, उसके लिए क्या लॉ लगाए? ये तो दिख रहा है कुछ अजीब सा, यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली तो आप क्या देखोगे, ए पॉइंट से जो करंट आएगा वो इधर से आके ऐसे आके यहीं पे घूम जाएगा। 40 वोल्ट का जो बैटरी है उससे जो करंट आएगा वो इधर से आके यहीं पे घूम जाएगा। ऐसा क्यों, इधर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इससे जो करंट जाएगा उसका रिटर्न पाथ नहीं है। इसका कोई रिटर्न पाथ है? कोई क्लोज सर्किट है? अगर मैं यहां से लेके ना इसको कनेक्ट कर देता तो करंट यहां से भी आता। समझ में आ रहा है? अगर कनेक्शन दिखा देता तो करंट इस लाइन से भी आता। बट अभी क्या हो रहा है कि जो 20 वोल्ट है मेरा, 20 वोल्ट के बैटरी का जो करंट होगा वो इसी लूप पे घूमेगा, ए बी सी डी में घूमेगा। जो 40 वोल्ट का करंट होगा वो मेरा ई एफ जी एच में ही घूमेगा। ऐसा नहीं है कि ये 10 वोल्ट को क्रॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका कोई रिटर्न पाथ नहीं है। एम आई क्लियर एवरीवन? बताना मेरे को। सो अगर ऐसा है तो हम एक चीज नोट कर सकते हैं कि भाई जो करंट मेरा इस लूप पे है, इस ए बी सी डी लूप पे है, वो करंट कितना होगा? क्या हम निकाल सकते हैं करंट? आई करंट फॉर ए बी सी एंड डी, उसके लिए करंट इसको मैं बोल देता हूँ आई वन, है ना, फॉर ए बी सी डी मैं बोल देता हूँ इसको आई वन इज इक्वल टू, वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है? देखो इस सर्किट के लिए ये पूरा का पूरा, क्योंकि करंट इधर जा नहीं रहा है तो मैं बोल सकता हूँ 6 + 5 + 9, मतलब ये सीरीज में हो जाएगा। सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस, सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस, तो तीनों कैसा है? सीरीज में है। अब सीरीज में हो गया 6 + 5 + 9, 6 + 5 + 9, इतना करंट जा रहा होगा। कितना है? 6 + 5 = 11 + 9 = 20, 20/20 = 1 एम्पियर। सो यहां से जो करंट पास हो रहा है ना वो 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। इसमें देखते हैं इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर, करंट एक्सटर्नल सर्किट पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई टू, एंड आई टू इज बी इक्वल टू वोल्टेज होगा 40, 8 + 5 + 7 कितना है भाई? 8 + 5 + 7 = 7, 7, 7, 14, 15, 20 होने से ये हो जाएगा 2 एम्पियर। So, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है मेरा 2 एम्पियर का करंट। क्या मेरी बात क्लियर है? हमको निकालना है वोल्टेज, वी सी पता करना है, वी ई पता करना है। उसको पता करने का कई सारे रास्ते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, केवीएल यूज करते हैं। जब भी वोल्टेज की बात होती है तो केवीएल
बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। तो केवीएल लगाते हैं सी से लेके ई के बीच में। तो केवीएल लगाने के लिए अपने को क्या चाहिए, हमको चाहिए एक क्लोज्ड पाथ। क्या चाहिए? एक क्लोज्ड पाथ चाहिए। अब जब मैं बोल रहा हूँ वी सी ई, बी सी माइनस वी, तो ये जो क्लोज्ड पाथ होगा ई के रेस्पेक्ट पे सी कितना होगा, यही दिखाना है ना। तो मेरे को पकड़ना है कि पकड़ लो ई मेरा जीरो पे है या फिर ई नेगेटिव में है और सी मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव पे। ये एजम्पशन है मेरा, एजम्पशन। नहीं भी साइन कन्वेंशन साइन लगाते हो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। एक चीज क्लियर है यहाँ पे कि करंट जो है इस ब्रांच पे ऐसे आ रहा है, बी से सी के तरफ आ रहा है। करंट अगर इधर आ रहा है तो 5 ओम का रेजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा 5 × 1 मतलब 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे। और इस पोटेंशियल जो 5 वोल्ट है उसका साइन क्या होगा, क्योंकि करंट इधर आ रहा है तो रेजिस्टर में करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। सो इधर से ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे अगर देखिए ये जो 5 ओम का रेजिस्टर है, इस 5 ओम के रेजिस्टर पे यही ये दोनों दो रेजिस्टर ही मेरे पाथ पे आ रहे हैं। इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ ये दिस डायरेक्शन, सो प्लस, यहाँ पे देंगे माइनस। और हाँ सो ये जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसा है, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। तो प्लस माइनस दे दिए भाई, करंट जिस डायरेक्शन पे आ रहा है उसी डायरेक्शन पे क्या देना है अपने को, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 5 × 2 मतलब 10 वोल्ट होगा, ठीक है 10 वोल्ट। ये माइनस 5 नहीं यार, कोई बोलेगा फिर सर माइनस 5 नहीं, यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 वोल्ट लिखा है, प्लस माइनस तो यहाँ पे साइन है इस 10। पोटेंशियल का मेरे को पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ नहीं पता है, ठीक है। अब मैं केवीएल लगाता हूँ, कहाँ से शुरू करता हूँ मैं सी पॉइंट से शुरू करता हूँ, सी से लेके ई के बीच पे चलता हूँ, ठीक है, फ्रॉम सी टू ई चलते हैं। तो पता है ना क्या रूल था कि हम लोग पकड़ रहे हैं राइजिंग पोटेंशियल पॉजिटिव, फॉलिंग पोटेंशियल नेगेटिव। तो यहां पे देखो जब मैं मूव कर रहा हूं इस तरीके से, तो क्या मिला मुझको, पहले माइनस साइन मिला और फिर प्लस है, मतलब ये क्या है, राइजिंग पोटेंशियल है। तो माइनस मिला तो मैं प्लस पकड़ूंगा, राइजिंग पोटेंशियल है तो 5 वोल्ट है तो 5 ही लिख दूंगा। फिर इधर से आया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब फॉल इन पोटेंशियल है, यहाँ पे राइज इन पोटेंशियल, यहाँ पे मुझको मिला फॉल इन पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, फॉल इन पोटेंशियल को मैं नेगेटिव दे रहा हूँ तो माइनस 10। फिर इधर से गया, फिर से राइज इन पोटेंशियल मिला, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, राइज इन पोटेंशियल मिला मुझको तो राइज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव प्लस 5। ये कहा आ गए हम, नहीं, ये क्या हुआ, ये 5 वोल्ट नहीं है मेरे, ये 10 वोल्ट है, सो प्लस 10 वोल्ट। अब कितना हो गया, 10 कट गया, बच गया मेरा 5 वोल्ट, मतलब सी पॉइंट से ई पॉइंट के बीच पे कितना वोल्टेज का डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 5 वोल्ट है। अब मैं क्या बोलूं कि C प्लस 5 वोल्ट है कि C माइनस 5 वोल्ट है, सोचो 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 सोचो, प्लस 5 होगा कि माइनस 5 होगा, हमको निकालना है VCE, तो VCE प्लस होगा कि माइनस होगा, बोलो। हमको घड़िया नसीब से कितना होगा, ये होगा
विथ रेस्पेक्ट टू ई ले रहे हैं ना, तो ई मेरा जीरो होना चाहिए और सी एक पोटेंशियल वी पे होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने पाथ पे मूव किया सी से लेके ई तक, और जब बैटरी के सोचते हैं ना, बैटरी अगर हम पोटेंशियल देखते हैं बैटरी में, तो ये फ्लो करता है कैसे बैटरी के अंदर, माइनस से प्लस की तरफ, है ना, माइनस से प्लस की तरफ। और हम कैसे मूव कर रहे हैं भाई, हम मूव कर रहे हैं उल्टा, और ये मिला मुझको पॉजिटिव, तो वी सी ई मतलब मुझको चलना चाहिए था ई से लेके सी तक, E को जीरो मान के मैं C तक चलता तो पॉजिटिव मिलता तो ठीक था। अभी हमने क्या किया, C से लेके E तक चले हैं और मुझको मिल गया पॉजिटिव, मतलब V C क्या हो जाएगा, माइनस फाइव वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई, क्या बोल रहा हूं फिर से एक बार बोलता हूं, हमको चाहिए V C E। अब V और C के बीच पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 5 वोल्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, 5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमको अभी चाहिए कि ये प्लस 5 वोल्ट लिखेंगे VCE ना माइनस 5 वोल्ट लिखेंगे, यहाँ पे हो रहा है कंफ्यूजन। ये जो कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे प्लस साइन देंगे कि माइनस साइन देंगे, वो कैसे पता करें, तो हम लिख रहे हैं VCE, इसका मतलब VC विथ रेस्पेक्ट टू E हमको निकालना है। जब मैं बोला हूँ ई के रेस्पेक्ट पे सी कितना पोटेंशियल में खड़ा है, तो मुझको चलना चाहिए ई से शुरू करके, ई को जीरो पकड़ लिया और ई से शुरू करके हम वोल्टेज देख रहे हैं सी पे। लेकिन हम जब मूव किए, हमने क्या किया, सी से लेके ई तक चले हैं हमारे केस पे, और मुझको रिजल्ट मिला पॉजिटिव, तो जहां से शुरू किए वो नीचे होना चाहिए था और ये ऊपर है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, वी सी ई है, तो ये अगर हायर वोल्टेज पे, अगर मैं सी को जीरो मानूं तो ई मेरा 5 वोल्ट पे है, तो अगर ई को जीरो मानूं तो सी कितने पे आएगा, माइनस 5 वोल्ट पे, खत्म कहानी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? फिर से एक बार, चलो फिर से एक बार करते हैं, लेकिन इसको उल्टा करके देखते हैं, ठीक है, ताकि आपका ये जो साइन को लेके मैं जो पकपक कर रहा हूँ वो आपका क्लियर हो जाए। कैसे क्लियर होगा, एक बार फिर से करेंगे, लेकिन इस बार पूरा नहीं करेंगे। हमको क्या मिला था, यहाँ पे 20/20 मतलब 1 एम्पियर मिला था, और यहाँ पे 2 एम्पियर मिला था, है ना, ये इतना तो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं उल्टा मूव करता हूँ, ई से लेके सी तक मूव करता हूँ, देखो ऐसे, तो केवीएल लगाओ, यहाँ पे कितना वोल्टेज है भाई। अच्छा, जब हम जब मूव करेंगे ना केवीएल पे, उससे पहले साइन लगा देना, सबसे पहले काम, सबसे पहला काम ये करना है, क्या करना है, साइन देना है। तो करंट का डायरेक्शन क्या है इस लूप पे, ये है करंट का, करंट इस 5 ओम के रजिस्टर पे इधर से ऊपर से घुस रहा है, जहां से घुस रहा है वो पॉजिटिव, जहां से निकल रहा है वो नेगेटिव, इधर गया, यहाँ पे बैटरी है, इधर करंट तो जाएगा नहीं यार इसमें, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 1 एम्पियर का करंट है वो ऐसे आ रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, प्लस माइनस हमने लगा दिया, करंट का डायरेक्शन देख के, करंट का डायरेक्शन देख के हमने प्लस माइनस साइन लगा दिया। यहाँ पे केवीएल केसीएल वो कुछ भी नहीं आया, क्या आया, सिर्फ करंट का डायरेक्शन हमने देखा कि एक्चुअली करंट का डायरेक्शन अगर दिया हुआ है, या फिर हम एज्यूम कर सकते हैं हाँ ये प्लस है तो करंट ऐसे ही जाएगा, हमने लगा दिया। अब उसके बाद हम लगाएंगे केवीएल, और केवीएल लगाने के लिए हमको चाहिए, हमको निकालना है वी सी ई, क्या निकालना है, वी सी ई निकालना है, वी सी ई। अब बी ची अगर निकालना है, ये रहा मेरा ची पॉइंट और ये रहा मेरा ई पॉइंट, और ई विथ रेस्पेक्ट टू ई हमको सी निकालना है, तो मैं इस पर क्या करता हूँ, मैं उल्टा मूव करके देखता हूँ क्या सेम रिजल्ट आएगा, क्या सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, 1/5 मतलब 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे मिला था अपने को 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप, है ना, इस 5 ओम के रजिस्टर पे। अब ई पॉइंट से शुरू करो,
पहले मिला क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव मिला तो मैं लगाऊंगा माइनस, क्योंकि फॉल इन पोटेंशियल होगा। माइनस कितना वोल्ट का फॉल हो रहा है, 10 वोल्ट फॉल हो रहा है। फिर इस पॉइंट से इधर जा रहे हैं तो ये मिला मुझको माइनस, तो लगाऊंगा मैं प्लस, क्योंकि राइजिंग पोटेंशियल है। कितना वोल्ट का है भाई, 10 वोल्ट का है। फिर यहाँ पे आ गए और यहाँ से इधर जा रहे हैं तो पहले मिला प्लस तो मैं लगाऊंगा माइनस। कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है इज इक्वल टू 0, है ना। तो 10 10 कट गया, सॉरी ये इक्वल टू 0 का है, दे रहा हूँ ई से शुरू करके मैं सी तक आया और मुझको कितना वोल्टेज मिला, बी सी ई। मैं बोल देता हूँ कि ये जो है ये पोटेंशियल है प्लस, ये मैंने पकड़ा था लो पोटेंशियल पे, ये मैंने पकड़ा था हायर पोटेंशियल पे, है ना। क्योंकि जब मैं बी सी ई बोल रहा हूँ इसका मतलब ई पॉइंट के रेस्पेक्ट पे मैं सी पॉइंट का पोटेंशियल देख रहा हूँ, और नॉर्मली जिसके रेस्पेक्ट पे देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड पे आता है कि वो जीरो पोटेंशियल पे है। तो मैंने पकड़ लिया ये जीरो पे है, तो ये सी वोल्टेज वी सी ई है, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, ये अगर माइनस है, जब मैं इधर से जा रहा हूँ ऐसे घूमा ना, अब ऐसे आके ऐसे आके ऐसे जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, मतलब फॉल इन पोटेंशियल हो गया। फॉलिंग पोटेंशियल को हम लोग क्या लेते हैं, फॉलिंग पोटेंशियल को हम लोग माइनस लेते हैं, तो माइनस वी सी ई हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझको क्या मिलेगा, वी सी ई इज इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया वी सी ई इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट। इसका मतलब, इसका मतलब सी लो पोटेंशियल पे है और ई हायर पोटेंशियल पे है। हमने क्या पकड़ लिया था, E को पकड़ लिया था लोअर पोटेंशियल पे, C को पकड़ लिया था हायर पोटेंशियल। क्या मेरी बात क्लियर हुई बताओ, क्या मेरी बात क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पोटेंशियल का प्लस और माइनस साइन समझना। जब कभी भी आप वी सी ई लिख रहे हो इसका मतलब C का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू E पकड़ रहे हैं। अभी हमने इसको माइनस इसको प्लस पकड़ के किया, हम अगर उल्टा कर लेते तो क्या रिजल्ट आता, चलो देख लेते हैं, उसको भी उल्टा करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम रखता हूँ, सिर्फ ई को मैं प्लस और सी को माइनस बोल के चलता हूँ, ठीक है, और इसको वी सी लिख के रखता हूँ। तो क्या आएगा देख, जब हम C को माइनस बोल रहे हैं इसका मतलब हम लोग एक्चुअली में लिख रहे हैं वी ई सी, कि E का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू सी, ये कन्वेंशन है ना। तो वी सी ई अगर मैं बोलता हूं तो यहां से शुरू किया, यहां पे कंफ्यूज होते हैं इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से शुरू किए चलना तो सेम मिलेगा, कितना ये मिलेगा प्लस है तो माइनस, ये मिलेगा माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और फिर ये माइनस है ना माइनस, और इसको हमने बोल दिया क्या वी सी। एक्चुअली में क्या लिखना था वी सी, अब हमने लिख दिया वी सी, तो क्या हो गया वी सी ई इज इक्वल टू माइनस 5। सेम आया अभी, सॉरी, ये क्या था माइनस है ना, ये तो राइजिंग पोटेंशियल है, इसको प्लस लिखना था। हाँ मैं भी तो बोलूँ कैसे सेम आता, इसको प्लस लिखना था, तो मैं प्लस हो गया तो ये प्लस होगा, तो इधर जाएगा तो ये प्लस। अब गलती कहाँ पे हुआ, देखो यहाँ पे बी सी प्लस 5 वोल्ट कर रहा है, यहाँ पे बी सी माइनस 5 वोल्ट कर रहा है, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, अगर बी सी ई प्लस होता है इसका मतलब ये होता है कि सी पॉइंट जो है ये प्लस 5 वोल्ट पोटेंशियल पे है विथ रेस्पेक्ट टू ई, है ना। और
जब हम लोग वी सी ई लिखेंगे इसका मतलब ये होना चाहिए कि ई पॉइंट जो है वो लो पोटेंशियल पे हो और सी जो है वो हाई पोटेंशियल पे। हमने जब यहाँ पे उल्टा करके हम बोल रहे ये पॉजिटिव पे है और ये निगेटिव पे है और यहाँ पे हमने प्लस साइन लगाया, इसका मतलब हमने क्या किया, हमने हमको यहाँ पे वी ई सी लिखना चाहिए था, वी सी ई नहीं लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था अपने को, यहाँ पे लिखना चाहिए था वी ई सी। समझ में आया, ये जानबूझ के मैंने आपको दिखाया कि क्या हो सकता है। नॉर्मली देखने में लगेगा क्या है, हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे समझने वाली बात है। जब मैं लिख रहा हूँ वी ई सी, इसका मतलब ई का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो E का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू C मतलब C मेरा निगेटिव पे है। अब मैं बोलूँ जीरो, तो यहाँ पे मिला मुझको बी ई सी, अब बी ई सी जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है, तो E मेरा प्लस 5 वोल्ट पे है अगर C मेरा जीरो पे है। और अगर E मेरा जीरो बनाता हूँ तो फिर C कितने पे आ जाएगा, माइनस 5 वोल्ट पे आएगा, जो यहाँ पे आया। बात को घुमा फिरा के, कान को आप इधर से पकड़ो कि उधर से पकड़ो, बात होगी बराबर। क्या मेरी बात है क्लियर, नहीं होता है तो आगे और होती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ से आपको याद क्या रखना है, वो ये माइकल को छोड़ दो यार, आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि अगर मैं लिखता हूँ वी ए बी, इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब ये होता है कि मैं जब सर्किट बनाऊंगा तो वी बी जो होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा एंड वी ए जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे। तो इसको हम प्लस इसको हम माइनस मान के चलेंगे, तब जाके ये लिखेंगे वी ए बी, वी ए विथ रेस्पेक्ट टू। आई होप नाउ इट इज क्लियर, अगर क्लियर है तो भाई लाइक और कॉमेंट कर दो एंड शेयर करना ना भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना बनता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।